तो हे गाइस नमस्कार, मेरा स्वागत है मेरे चैनल पर। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑक्सीजन ओएस का लेटेस्ट स्टेबल वर्जन हमारे रेडमी नोट 7S में जो रिलीज़ हुआ है उसके बारे में। और यहाँ पे हम अपडेट ही कहेंगे क्योंकि यहाँ पे हर एक महीना हमको ये अपडेट मिलता रहा है। ऑक्सीजन ओएस का पोर्ट देखने को मिल रहा है, पोर्ट मतलब अपडेट हम कहेंगे अभी हमारे चैनल में। तो आप लोग भी अपडेट बोलना, ठीक है, रेडमी नोट 7 के लिए ये ऑक्सीजन ओएस का अपडेट है। तो यहाँ पे क्या कुछ आपको देखने को मिलता है, क्या कुछ यहाँ पे परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पे क्या कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया गया डेवलपर के जरिए वो भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत कुल फीचर्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज इस वीडियो में। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि क्या ये आपको फ्लैश करना चाहिए एज अ डेली ड्राइवर। तो भाई मेरा नाम है अनिश रॉय, आप देख रहे हो टेक्नो प्रभु। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो यार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैं इसको खुलता हूँ ना, तो यहाँ पे आपको जब मैं इसको फिंगरप्रिंट लगा के अनलॉक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका लाइव वॉलपेपर बहुत ही अमेजिंग सा लगता है। यहाँ पे और दो ऐड किया गया है, मैंने इसको टेस्ट नहीं करा तो अभी टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो जल्दी से मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और ये गया मैं, और देख सकते हो कि यहाँ पे लाइव वॉलपेपर एकदम स्मूथली काम कर रहा है। यहाँ पे 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले नहीं है फिर भी अच्छी तरीके से एकदम स्मूथली काम कर रहा है और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका। और यहाँ पे बात करें क्विक सेटिंग्स की, क्विक सेटिंग में हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस का यहाँ पे शॉर्टकट देखने को मिलता है। डॉल्बी एटमॉस यहाँ पे दिखा भी है, आप यहाँ पे जाकर सिंपली डॉल्बी एटमॉस को इनेबल डिसेबल कर सकते हो। तो मैंने इसको डिसेबल कर रखा था। यहाँ पे इसका साउंड थोड़ा सा बहुत ही मतलब क्रिंची टाइप का है, मतलब म्यूजिक के लिए अच्छा है लेकिन गेमिंग के लिए उतना अच्छा नहीं है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गेमिंग के टाइम डॉल्बी को ऑफ करके फिर गेम खेलो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको क्विक सेटिंग्स में जितने भी चाहिए चीज़ें वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन कस्टम रोम से ये वे बेटर कम है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत मतलब ऐप्स वगैरह मैंने इंस्टॉल कर रखा है, सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है यहाँ पे एट अ टाइम। और यहाँ पे हम बात करें तो सेटिंग्स में जाने के बाद, तो सेटिंग्स में आप देख सकते हो सेटिंग्स का लुक ऑक्सीजन ओएस एंड्रॉइड 11 का ही यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जैसे आपको ऑक्सीजन ओएस में देखने को मिलता है किसी भी वन प्लस के डिवाइसेस में। हम बात करें यहाँ पे अबाउट फोन की, अबाउट फोन में हमको देखने को मिलता है यहाँ पे डिवाइस यहाँ पे वन प्लस एट का पोर्ट है और यहाँ पे वन प्लस 9 का कुछ गुडीज ऐड किया गया है। यहाँ पे एंड्रॉइड 11 के साथ ये रोम आता है, ये पोर्ट रोम। और यहाँ पे इसका जो अपडेट है सिक्योरिटी पैच है ये अगस्त का है, तो यहाँ पे थोड़ा सा निराशा है। लेकिन ऑक्सीजन ओएस वाले भी उतना ज़्यादा अपडेट नहीं देते मुझे लगता है यहाँ पे, मतलब मंथली अपडेट नहीं देते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे प्ले स्टोर का यहाँ पे आपको 1 सितंबर का देखने को मिलता है यहाँ पे। और कर्डल यहाँ पे आपको ट्विटर स्टोर मेकर X4.7 देखने को मिलता है यहाँ पे, और इसका डेवलपर का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है कोडी और यूनिम और OOF गेम। तो यहाँ पे इस डेवलपर को दिल से थैंक यू भाई। अगर आप वाईफाई या फिर हॉटस्पॉट वगैरह शेयर करते हो तो यहाँ पे आपको वन प्लस का ही देखने को मिलेगा नाम, ना ही किसी और का डिवाइस देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो वन प्लस 8 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे सब कुछ आपको वन प्लस 8 का यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे और बात करते हैं यहाँ पे इस रोम के बारे में, तो हम डॉल्बी की बात करते हैं थोड़ा सा। डॉल्बी में आप देख सकते हो इसको जैसे इनेबल करोगे यहाँ पे आपको मूवी फिर म्यूजिक ये वाला अच्छे से एकदम वर्क कर रहा है भाई। मैंने सोचा वर्क नहीं कर रहा है ऐसे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं आया मेरे को। डायलर ऐप की बात करो, डायलर ऐप को कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे फेवरेट्स लिखा है और मैंने फंड चेंज कर रखा है, बहुत ही कूल लगता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिल रहा है ये वाला डायलर वाला। और यहाँ पे इनकमिंग कॉल आउटगोइंग कॉल सेम वन प्लस का जैसे देखने को मिल रहा है, जैसे वन प्लस के डिवाइसेस में आपको देखने को मिलता है और शुरू से देखने को मिलता आ रहा है। होम स्क्रीन की बात करें, होम स्क्रीन में आपको यहाँ पे ये वाला देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे ऐप ड्रॉअर वाला आप स्विच कर सकते हो, क्विक सेटिंग्स यहाँ पे क्विक सर्च और यहाँ पे ऐप ड्रॉअर वाला स्विच कर सकते हो। यहाँ पे हिडन स्पेस भी चूज कर सकते हो, आइकन पैक वगैरह यहाँ पे साइबर पंक का यहाँ पे ऑटोमेटिकली मतलब जब आप बूट करते हो तो आपको यहाँ पे साइबर पंक वाला देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन वाला लगा रखा है, हर वक्त साइबर पंक अच्छा नहीं लगता है लेकिन फिर भी यहाँ पे साइबर पंक का गुडीज। अगर आपको यहाँ पे साइबर पंक का थीम भी चाहिए उसका एक मॉड्यूल है, उसका मॉड्यूल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डेवलपर ने बोला है इसको सिंपली मैजिक्स में फ्लैश करना है, तो आप भी मैजिक्स में फ्लैश करना है ना उस जिप फाइल को, ठीक है, तो तभी जाके आपको यहाँ पे थीम देखने को मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन के यहाँ पे सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा सिस्टम आइकन्स में, और ये वाला आप चेंज कर सकते हो। और वॉलपेपर्स वगैरह आपको ये वाला देखने को मिलता है, यहाँ पे क्लॉक एंड एम्बिएंट डिस्प्ले वाला देखने को मिलता है जो कि हमारे डिवाइस के लिए बेकार है। सिस्टम आइकन्स तो मैंने बता दिया। यहाँ पे फंड आपको देखने को मिलता है, वेरियस टाइप के फंड देखने को मिलता है, यहाँ पे आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। ये वाला बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन आप डिस्प्ले साइज को छोटा करके ये वाला भी यूज़ कर सकते हो जो कि बहुत ही कूल लगता है। और मैं बात करूँ बैटरी बैकअप की, भाई ये रोम परफॉर्मेंस के लिए नहीं बनाया गया है, बैटरी बैकअप के लिए बनाया गया है। मतलब इस अपडेट में बैटरी बैकअप अच्छा खासा दे रहा है मेरे को, तो मैंने आपको सजेस्ट कर दिया कि अगर आपको बैटरी बैकअप के लिए ये रोम चाहिए तो डेफिनेटली आप इसको फ्लैश कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे गेमिंग के लिए चाहिए तो गेमिंग के लिए आप ऑफकोर्स कस्टम रोम यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कस्टम रोम ही बेस्ट है गेमिंग के लिए लेवेंडर में। तो यहाँ पे और चीज़ बात करें तो यहाँ पे आपको गेम स्पेस देखने को मिलता है जो कि एकदम अच्छी तरीके से वर्क भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे गेम
का जो शॉर्टकट है ना, मतलब गेम जो खेलते हो तो वहाँ पे जो आपको शॉर्टकट जो देखने मिलता है वो वाला यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। पता नहीं क्यों, यहाँ पे शायद कोई भी ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा तभी जाकर आपको देखने को मिलता है। ग्राफिक्स ऑप्टिमाइजेशन आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, आई डोंट थिंक सो यह काम करेगा, लेकिन फिर भी आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो। मैंने गेम खेला यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब TDM ही खेला, TDM में थोड़ा थोड़ा लैग, मतलब शटर देखने को मिल रहा था फ्रेम। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप गेमिंग के लिए ये यूज़ ना ही करो तो बेटर है। और यहाँ पे बात करें इसके विजेट की, विजेट आपको यहाँ पे 3 विजेट देखने को मिलता है, ये वाला देखने को मिलता है, और विजेट के सेक्शन में जाओगे यहाँ पे आपको विजेट और भी देखने को मिलेगा। ये वाला वन प्लस का है तो यहाँ पे और 3 और 2 देखने को मिलेगा। तो एक मैंने लगा रखा है यहाँ पे, मतलब बाय डिफॉल्ट यही आता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस मैसेजिंग ऐप की, तो मैसेजिंग ऐप में आपको ये वाला देखने को मिल रहा है, बहुत ही मतलब अच्छा खासा देखने को मिल रहा है इसका UI, जो कि वन प्लस का ही है। यहाँ पे वन प्लस का आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे अगर प्ले स्टोर में कोई भी वन प्लस के ऐप को सर्च करोगे तो वन प्लस का सब कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप दूसरे किसी भी डिवाइस में वन प्लस वाले किसी भी ऐप को सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस फोन में आपको, मतलब जब ये रोम को फ्लैश करोगे तब इसके बाद आपको यहाँ पे प्ले स्टोर में अगर वन प्लस सर्च करोगे तो वन प्लस के लिए आपका दूसरा जो ऐप है वो सब देखने को मिल जाएगा। और यार ये वाला अगर आपको ऑलवर चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप सिंपली जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं वीडियो की और इंस्टॉलेशन प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं बात करूँ यहाँ पे मैजिक साइट की, मैजिक साइट यूज़ करना पड़ेगा तभी जाके सेफ्टी नेट पास हो पाएगा। लेकिन मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पे बैंकिंग ऐप चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। आप टेस्ट करके ये एक बार देख सकते हो कि क्या आपका यहाँ पे बैंकिंग ऐप वगैरह चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्या टूट गया भाई? आपको यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल L1 का सपोर्ट देखने को मिलता है, DM इन्फॉर्मेशन में मैंने चेक कर लिया है। अब बात करते हैं इसके गैलरी ऐप की, गैलरी ऐप में मैं जाके जल्दी से दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कहाँ पे मेरा स्क्रीनशॉट है, तो मैं जल्दी से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट में मैं दिखा दूँ तो यहाँ पे मैंने इसको भी देखा, तो यहाँ पे आपको डिवाइस सर्टिफाई देखने को मिल रहा है यहाँ पे प्ले स्टोर में। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो, अब आपके ऊपर आप क्या करोगे ना करोगे। ठीक है, तो हम अभी फ्लैशिंग प्रोसेस की और बात करते हैं। तो फ्लैशिंग प्रोसेस में जल्दी से दिखा देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने फुल रोम को फ्लैश कर लिया आप सबके सामने। अभी ये जो रोम है वो बूट होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे वन प्लस का लोगो आ चुका है, इसका मतलब आपका फ़ोन एकदम परफेक्टली बूट होगा। और सिस्टम में चले जाओगे तो आपको यहाँ पे सिंपली सेटअप विजर्ड को कंप्लीट कर लेना है, और सिंपली आपको सिस्टम में घुस लेना है, और यहाँ पे फिर से आपको रिबूट करना है आपके रिकवरी में। रिबूट करने के बाद अगर आपको रूट चाहिए तो रूट कर सकते हो, अदरवाइज नो नीड, आपको रिकवरी में आने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सेटअप वगैरह कर लो, व्हाट्सएप वगैरह डाउनलोड कर लो और एंजॉय करो इस रोम को। और अगर आपको मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक नहीं मिला तो आपको मैं स्क्रीनशॉट में भेज देता हूँ, आप सब लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे जाके आप सिंपली मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में जुड़ सकते हो, और ऐसे ही मस्त मस्त कंटेंट मैं लेके आता रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। और मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।